हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है लिटिल पांडा कैंडी शॉप में। आज हमारे शॉप पे आए हैं ऐना और राइनो कैंडीज खरीद, क्योंकि सैम ने न्यू कैंडी शॉप खरीदी है। तो बच्चों, क्या आप सबको कैंडीज पसंद है? तो चलो चलते हैं सैम की शॉप के अंदर और देखते हैं सैम कैंडीज कैसे बनाता है, और हम तैयार करेंगे कुछ ऑर्डर्स जो कि ऐना और राइनो ने हमें दी। चलो कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम डालेंगे सम शुगर, लेमन एंड एग एंड मशीन में डाल के इसे मिक्सअप करना है, ताकि हमें एक बढ़िया सा पेस्ट मिल सके। हमने बटन प्रेस किया और ये देखो हमारा पेस्ट बनना तैयार हो गया। और ये देखो हमारा पेस्ट तैयार है, हमारे मशीन में पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इन्हें इस पेस्ट को बाउल में, और इसमें ऐड करेंगे सम फ्लेवर, ताकि हमारी कैंडी स्वीट और डिलीशियस बने। फ्लेवर ऐड करने के लिए हमें मिक्सी में फ्लेवर बनाना हो। फ्लेवर ऐड्स करने के लिए चाहिए हमें कुछ फ्रूट्स, जिसका हमें बढ़िया सा फ्लेवर बनाना है। तो हमने लिया है पहले पाइनएप्पल। चलो इस पाइनएप्पल का एक बढ़िया सा फ्लेवर बना के तैयार करते हैं, ताकि ऐना और राइनो को हम एक बढ़िया सी कैंडी दे सके। आपको कौन कौन सी कैंडी फ्लेवर पसंद है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलो और फ्लेवर ऐड करते हैं इसमें। अब हम ऐड करते हैं स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर। क्या आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है? बिल्कुल, मुझे भी स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो हमारा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम किस फ्रूट का नेक्स्ट फ्लेवर बनाएं? चलो बनाते हैं ग्रेप्स का, क्योंकि ग्रेप्स का फ्लेवर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ऐना और राइनो को ये बहुत पसंद आने वाला है। ये देखो हमारा मशीन में बनकर ग्रेप्स वाला फ्लेवर भी तैयार हो चुका है। अब हम एक फ्लेवर और ऐड करेंगे, जो है लेमन वाला। लेमन वाली कैंडी भी बहुत टेस्टी होती है। चलो मिक्सिंग में डाल के इसका भी फ्लेवर एक बढ़िया सा बना लेते हैं। ये देखो हमारी मिक्सिंग मशीन ने कितनी जल्दी हमें लेमन वाला फ्लेवर भी बना के तैयार कर दिया है। अब इस फ्लेवर को हमें किस में डालना होगा? जो हमने बड़ी मशीन में पेस्ट बनाया था, उसके अंदर हमें ऐड करना है ये अपना बढ़िया सा फ्लेवर। तो हमने बनाया है पाइनएप्पल वाली कैंडी, तो हमने इसलिए पाइनएप्पल वाला फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया। और अब इसे हमें घुमाना होगा, ताकि इसे हम पेस्ट को अच्छे से मिक्सअप कर सकें। तो चलो आप सब भी मेरे साथ इसको घुमाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हम एक बढ़िया सी कैंडी बना सकें। और वो कैंडी कौन सी फ्लेवर की होगी? वो कैंडी होगी पाइनएप्पल फ्लेवर की। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने कितने फ्लेवर बनाए थे? 4। तो चलो ये देखो हमारी पाइनएप्पल वाली कैंडी का पेस्ट जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे डालेंगे मोल्डिंग मशीन के अंदर, ताकि हम इसे शेप दे सके एक बढ़िया सी, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़िया आ सके। तो चलो बच्चों, आपको कौन सा मोल्डिंग फ्लेवर पसंद आया हमें लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखो ये है हमारा बटरफ्लाई वाला मोल्ड। बटरफ्लाई वाले मोल्ड के अंदर कैंडी कितनी अच्छी और सुंदर लगेगी, और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब हमें इसमें ज्वाइन करनी होगी एक स्टिक, ताकि राइनो और ऐना इसे पकड़कर खा सके और उनके हाथ भी न चिपके। चलो डालते हैं इसके अंदर एक बढ़िया सी अम्ब्रेला वाली स्टिक। ये देखो हमने स्टिक तो लगा दी, अब बारी आती है इसे रैप करने की, क्योंकि हमें इसे एक बढ़िया से गिफ्ट बॉक्स में रैप करके देना है। तो देखो बॉक्स भी आ चुका है। अब इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर हम थोड़ी सी अपनी स्मॉल वाली कैंडी ऐड करेंगे, ताकि जिससे ऐना और राइनो खुश हो सके। तो चलो अब इसके हमने अंदर अपनी छोटी वाली कैंडी ऐड कर दी है। अब इसे बढ़िया सी गिफ्ट बॉक्स में रैप कर देते हैं। ये देखो हमने चारों साइड से इस गिफ्ट बॉक्स को रेडी कर दिया है, और हम डालेंगे इस प्यारी सी कैट वाले बैग के अंदर। और ये देखो सैम ले आया है कैंडी, जो कि उसने अपने मशीन के अंदर बनाई है। अब इसे बारी आती है सेल करने की। अरे लगता है जोजू आ गया है।
ओहो, जोजो हमारी कैंडी को खा जाएगा। अरे उसने तो खोल भी लिया और खा भी गया। अब सैम बेचारा क्या करेगा? एना और राइनो को क्या जवाब देगा? इसके लिए आपको देखना होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।